नमस्कार दोस्तों। तो आज वो दिन एक आ ही गया। पिछली वीडियो तो आपने देख ली होगी, उसमें मेरा हो नहीं पाया था वैक्सीनेशन, तो पहली तारीख को गया था। तो आज हम जाएंगे, टाइमली जाएंगे और भीड़ भाड़ से बचेंगे और एकदम सुबह सुबह जाके फ्रेश होके आ जाएंगे और उसका अनुभव मैं आपको बता दूंगा। कि मैं ऐप खोलता हूँ उसका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी हो तो एक तरह से देखता हूँ एकदम बुक्ड होते हैं, 18+ सारे बुक, सारे बुक्ड। 45+ वाले थोड़े बहुत ग्रीन हैं, बाकी सारे लाल 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 लाल। मतलब कि इतनी भगदड़ मची हुई है इस टाइम कि सबको लग जाए एक ही बारी में, तो क्या वरना। और हाँ, इस बार तो हॉस्पिटल में नहीं लग रहा है, सेंटर पड़ा है स्कूल में, सेंटर है स्कूल में। तो कोई गवर्नमेंट स्कूल है, पता नहीं विद्यालय सर्वोदय, मुझे पूरा नाम मैंने देखा नहीं उस स्कूल का, पास में ही है। और सुबह हो चुकी है 8:30 बज चुके हैं और निकल वहाँ पहुँचना है 9 बजे, तो 15 मिनट का काम है, आएंगे फटाफट, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा। फाइनली हो गए मेरा डोज, एक डोज हो गया है और यहाँ पे लोग अच्छे से लाइन लगा के बैठे हैं, हमें सीट दी है कि वेट करो, तो अभी हम वेट ही कर रहे हैं। और दो जगह शिफ्ट हो गया था, मतलब कि जब हमने चेक किया सुबह सुबह जाने से पहले, तो उसमें देखा कि अब वो सेंटर है वो चेंज हो गया है, अब वो स्कूल में हो गया। तो अब स्कूल में आए, अब देखो यहाँ पे लोग लाइन लगा के बैठे हैं, है ना, शांति से लाइन, ऐसा कोई भगदड़ वाली बात है, सब अपना टोकन वेट वेट कर रहे हैं, तो हम भी अपना वेट ही कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कब इंजेक्शन लग गया, मैं भैया तो अब हम वेट कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे। अभी मैं चेक कर रहा था तो अभी सारे बुक्ड हैं, तो मतलब कि इतनी भगदड़ मची हुई है कि 18+ सारे लाल लाल लाल। ये कोई गर्ल्स स्कूल है तो हम गर्ल्स स्कूल में वेट ही कर रहे हैं, और क्या, यहाँ पे इतनी भगदड़ नहीं है, लोग आराम से प्रॉपर लाइन लगा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ऊपर यहाँ जो शीट लगाते हैं ना वो भी पहन के आ रहे हैं, अपना सैनिटाइज़र लेके आ रहे हैं, बाहर लाइन लगी है, डिस्टेंस रखी है, तो वो सब है जो लोग रख रहे हैं। तो हम यहाँ दो कुछ मिनट वेट करेंगे और यहाँ से जाएंगे। तो फाइनली हमारा काम डन। यार मैंने स्कूल देखा, स्कूल तो एकदम बढ़िया यार, बढ़िया स्कूल था, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। मतलब कि आजकल मतलब कि दिल्ली में स्कूल देखा जाए ना, सच में हाँ स्कूल ने बहुत काम किया हुआ है, स्कूल ने सच में बहुत काम किया हुआ है, काम दिखता है यार, देखने वाले को साफ पता चलता है क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी तो मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने फाइनली सब कुछ हो गया है, मैंने फ्रूट्स फ्रूट्स रख दिए हैं और थोड़े बहुत खाने की चीज़ें ले आया हूँ। और सबसे अच्छी चीज ये तो मुझे बात लगी कि स्कूल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है उनमें। और वो एक गर्ल्स स्कूल था, मुझे लग ही नहीं रहा था ये कोई गवर्नमेंट स्कूल है, मुझे लगा प्राइवेट होगा, बट देखा कि स्कूल का नाम गर्ल्स विद्यालय कोई नाम था, सेकेंडरी स्कूल था वो। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, और ऐसा ना हो कि कोई वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अपने हर दोस्तों के शेयर करिए इस वीडियो को। तो आज की इतनी रखते हैं वीडियो, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।